हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सट्रेड योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 10th जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम बिकम्स फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर टू लॉन्च 4G सर्विसेज इन पैंगोंग त्सो एरिया। कौन सा दूरसंचार पैंगोंग त्सो क्षेत्र में 4G सेवाएं शुरू करने वाला पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रिलायंस जियो। लोकसभा मेंबर फ्रॉम लद्दाख जामयांग त्सरिंग नमग्याल इनोग्रेटेड द जियो मोबाइल टावर एट स्पैंगमिक विलेज नियर पैंगोंग लेक। लद्दाख से लोकसभा सदस्य जैमकोंग त्सोरिंग नामग्याल ने पैंगोंग झील के पास स्मांगमिक गांव में जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन किया। जियो ऑलरेडी हैज़ इट्स 4G फुटप्रिंट्स इन एरिया लाइक कारगिल, जंस्कर एंड दमचोक इन दी रीजन। तो जियो के पास पहले से ही इस क्षेत्र में कारगिल, जंस्कर और दमचोक जैसे क्षेत्रों में अपने 4G पदचिन्ह हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा, विराट कोहली, कटरीना कैफ, सलमान खान। पिक्चर से तो आपको पता चल गया होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विराट कोहली। इंडियन क्रिकेटर स्टार विराट कोहली हैज़ क्रॉस द 200 मिलियन फॉलोअर्स मार्क ऑन दी सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम। तो 200 मिलियन फॉलोअर विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर क्रॉस कर लिए हैं विराट कोहली ने। और इसके बाद जो सबसे फर्स्ट टॉप पे हैं उनका नाम भी जान लेते हैं। पुर्तगाल फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप्स दी चार्ट विद 451 मिलियन फॉलोअर्स अहेड ऑफ अर्जेंटीना फुटबॉल कैप्टन एंड एफसी बार्सिलोना लेजेंड लियोनेल मेसी विद 334 मिलियन फॉलोअर। तो टॉप पे हैं रोनाल्डो और सेकंड नंबर पे हैं मेसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट पैराशूटिंग वर्ल्ड कप इन वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पैराशूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अवनी लिखारा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, निर्मला सीतारमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अवनी लिखारा। अवनी लिखारा वॉन गोल्ड मेडल इन पैराशूटिंग वर्ल्ड कप इन चतुरॉक्स। अवनी लिखारा ने चतुरॉक्स में अपने पूरे शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट। तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना, सतीश पाई, आलोक कुमार चौधरी, शशिधर जगदीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतीश पाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च ए क्रू मिशन टू बिल्ड द पैंगोंग स्पेस स्टेशन। तो पैंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए किस देश ने क्रू मिशन शुरू किया है? इंडिया, जापान, चाइना, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना। द चाइना मैन स्पेस एजेंसी अनाउंस दैट 3 एस्ट्रोनॉट हैव बीन डिस्पैच ऑन ए 6-month मिशन टू कंप्लीट वर्क ऑन द कंट्रीज परमानेंट ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन। तो चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि देश के स्थायी परिक्रमा अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर काम पूरा करने के लिए 6 महीने के लिए मिशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। अबाउट द मिशन, ए लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट कैरिंग द स्पेसक्राफ्ट शेंगगोई 14R डिवाइन वेसल एंड इट्स 3 एस्ट्रोनॉट टुक ऑफ फ्रॉम द जिक्वैन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द गोवी डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। अंतरिक्ष जॉन शेंगगोई 14 या डिवाइन वेसल उसके 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला एक लंबा मार्च 2F रॉकेट
अंतरिक्ष चीन के गोबी रेगिस्तान में जिंकवान उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र से रवाना हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाली राज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्ररूपों से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश की है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडिया। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज, हेलिंग फ्रॉम जोधपुर राजस्थान, अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जोधपुर राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्ररूपों से संन्यास की घोषणा की। मिताली राज मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू इन द ओडीआई अगेंस्ट आयरलैंड एट मिल्टन कैनियस इन 1999। तो उन्होंने अपना डेब्यू कब दिया था? तो ये दिया था 1999 को आयरलैंड में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर हर विद अर्जुना अवार्ड इन 2003 फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन क्रिकेट एंड द मेजर चंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021। तो इन्हें दो अवार्ड से ऑनर किया गया है। एक अवार्ड का नाम है अर्जुना अवार्ड, वो इनको दिया गया था 2003 में, और अभी इनको मिला था रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जे इनको दिया गया था 2021 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च जनसमर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स। तो क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए जनसमर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अमित शाह। पिक्चर से तो आप पहचान गए होंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। एट प्रेजेंट स्कीम इज ओपन फॉर फोर कैटेगरीज इंक्लूडिंग एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस स्टार्टअप एंड लिविंग लोन्स। द मेन पर्पज ऑफ द पोर्टल इज टू इंकरेज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर बाय गार्डिंग एंड प्रोवाइडिंग दैम विद द राइट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स थ्रू सिंपल एंड ईजी डिजिटल प्रोसेसिस। तो पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरल और आसान डिजिटल प्रक्रियाओं को माध्यम से उन्हें सही प्रकार के सरकारी लाभ प्रदान करके समावेशी विकास और विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना है। और ये फोर कैटेगरी में स्कीम्स हैं। एक है आपकी एजुकेशन, दूसरी है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और थर्ड है बिजनेस स्टार्टअप में, और फोर्थ है लिविंग लोन्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI हैज़ रजिस्टर्ड इट्स नेम इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउ मैनी किलोमीटर ऑफ रोड्स इन 5 डेज। NHAI ने 5 दिनों में कितनी किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 75 किलोमीटर। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग द लॉन्गेस्ट हाईवे लेंथ ऑफ 75 किलोमीटर ऑफ बिटमिनियस कॉन्क्रीट इन ए सिंगल लेन बिटवीन अमरावती एंड अकोला इन द रिकॉर्ड टाइम ऑफ 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अमरावती और अकोला के बीच एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटमिनियस क्रिकेट के सभी लंबे राजमार्ग की लंबाई 105 घंटे और 13 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड बैंक द वर्ल्ड इकोनॉमी विल एक्सपेंड बाय हाउ मच परसेंट इन 2022। तो विश्व बैंक के अनुसार 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था का विस्तार कितने प्रतिशत होगा? 2%, 2.5%, 2.9%, 3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2.9%। डेविड मालपास प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज इंडिया साइन ए जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टू वर्ल्ड 2030। भारत ने किस देश के साथ 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विटनेस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश,
वियतनाम। फ्लैग से तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वियतनाम। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड बायलेटरल टॉक विद वियतनाम मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जनरल फान बाम जिंग इन हनोई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फॉन बॉन्ग जिंग के साथ द्वितीय वार्ता की। इंडिया एंड वियतनाम शेयर कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिंस 2016 एंड डिफेंस कोऑपरेशन इज़ ए की पिलर ऑफ दिस पार्टनरशिप। भारत और वियतनाम 2016 से एक राजनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। आज का सेशन हमारा बस इतने तक ही था। अगर आपके लिए वीडियो 1% भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।